नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दिन प्रतिदिन आउट ऑफ इंडिया से MBBS करने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और दोस्तों आज की बात करें तो सबकी फेवरेट कंट्री बन चुकी है कजाकिस्तान। आज स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों ही कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों कजाकिस्तान में 10 से 11 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में 9th पोजीशन पर है। इसका विस्तार काफी बड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि कजाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह है। तो दोस्तों आज जो अल्माटी एक शहर है जो कजाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, इसके अलावा जब USSR था पूरे 16 कंट्रियां थी रसिया की, उससे पहले साउथ कैपिटल था, तो आज स्टूडेंट का वहां जाने में रुझान क्यों बढ़ रहा है, आज वो अल्माटी जगह है, वो एजुकेशन हब क्यों बना हुआ है, इसके पीछे मैं आपको 7 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जो आप जानने की कोशिश कीजिएगा। एक एक कारण को मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों पहला कारण है एयरपोर्ट। जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, एक बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो एयरपोर्ट के पास में होनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति में आप जब आपका मन हो आप आ सकते हो, जा सकते हो। तो दोस्तों अल्माटी में डायरेक्ट एयरपोर्ट की सुविधा है और आप कभी भी आ सकते हो। जितनी भी यूनिवर्सिटी अल्माटी में है वो एयरपोर्ट से लगभग 15-20 किलोमीटर की रेंज में है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे वेदर, एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा कि आप जानते हो इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, केंद्र से ध्रुवों की तरफ चलते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। तो दोस्तों अल्माटी जो कजाकिस्तान एक लार्जेस्ट कंट्री है उसके बिल्कुल साउथ में है, जैसे इंडिया में नीचे आप केरल समझ सकते हो। तो जैसे ही अपन ऊपर की साइड बढ़ेंगे तो रसिया आएगा, पूरा कजाकिस्तान क्रॉस होगा, तो आपका टेम्परेचर भी घटता जाएगा। तो अल्माटी का जो कजाकिस्तान की अदर जगह है जहां यूनिवर्सिटीज है उसकी तुलना में एनवायरमेंट अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट के सूटेबल है, इसलिए स्टूडेंट वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अपन तीसरा कारण मैं आपको बताऊंगा, वो है अल्माटी में 5 यूनिवर्सिटी है। एक शहर में 5 यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है। आप इंडिया के बड़े लार्जेस्ट जो शहर हैं वहां भी आप जाके देखिए, ऐसे बहुत कम शहर होंगे जहां 5 मेडिकल कॉलेज हैं। तो दोस्तों 5 मेडिकल कॉलेज होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एक कॉम्पिटिशन होता है। जैसे आज नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कोटा सीकर का नाम ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कोचिंग है। तो दोस्तों एक कोचिंग की दूसरी कोचिंग से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, और आपको पता है कि आदमी को प्रतिस्पर्धा ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ की 5 यूनिवर्सिटियों में कंपटीशन रहता है कि उसकी फैकल्टी हमारी फैकल्टी से अच्छे ना हो, उस कॉलेज का रिजल्ट हमारे कॉलेज से अच्छा ना जाए। तो ये कंपटीशन ही ऐसा कारण है जो इंडियन स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों चौथे पॉइंट पर अपन बात करेंगे डिस्टेंस। दोस्तों ज्यादातर फ्लैट आपकी दिल्ली एयरपोर्ट से है, और दिल्ली एयरपोर्ट से अल्माटी की जो दूरी है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप वो है 1628 किलोमीटर। इसके अलावा जो कजाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आप उसका गूगल करके देख लीजिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाने का प्लान कर रहे हैं 1628 किलोमीटर से आपको ज्यादा ही मिलेगा, कोई आपकी 500 किलोमीटर आगे, कोई 700, कोई 1100, कोई 1200। तो जाहिर सी बात है आपका फ्लैट का भी कम खर्चा होगा और लगभग आप 3.5 घंटे में अल्माटी दिल्ली से पहुंच जाएंगे। तो एक ये भी कारण है स्टूडेंट अपनी सुविधा देखता है। इसके अलावा दोस्तों अपन 5वें नंबर की पॉइंट पे बात करते हैं महंगाई। जैसा कि आप जानते हो कजाकिस्तान और ये ठंडे प्रदेश हैं, तो इनमें मैक्सिमम चीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती रहती है। तो दोस्तों अल्माटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ज्यादातर जो चीजों का आयात निर्यात होता है वो प्लेन के द्वारा होता है। तो दोस्तों आप सोचो कि जैसे अल्माटी पे कोई भी कंट्री से माल आता है वो वहां उतर जाएगा, अगर अलग अलग जगह जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, लेकिन अल्माटी में डिस्ट्रीब्यूट होने में ट्रांसपोर्ट चार्ज कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही भरपाई की जाएगी, इसलिए अल्माटी में और जगह की तुलना में थोड़ी महंगाई कम है। इसके अलावा दोस्तों अपन 6 नंबर के पॉइंट पे बात करते हैं, पूरी कजाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ यानी 20 मिलियन के समथिंग अकॉर्डिंग टू गूगल बताई जा रही है, जो कि भारत की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों अल्माटी एक सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो आपकी 15-20 लाख लोग हैं। इसके अलावा जैसे मुंबई में मराठा लोग हैं, इतने ही बाहर के रहने वाले हैं, बिहार के, पंजाब के, राजस्थान के, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। दोस्तों अपन टोटल अल्माटी की जनसंख्या की कैलकुलेशन करें तो 30 लाख लोग मर रह रहे हैं अप्रोक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा पेशेंट आएंगे, उतना ज्यादा पेशेंट फ्लो बनाएगा, उतना ज्यादा स्टूडेंट की प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों एक ये भी कारण है स्टूडेंट को अल्माटी शहर अट्रैक्ट करता है और अधिक से अधिक स्टूडेंट जाते हैं। और दोस्तों जो 7 नंबर का पॉइंट है मैं उस पर विचार करूंगा, जैसे आपका एक सिलेक्शन हुआ, एक आपको दिल्ली मिला,
बॉम्बे मिला, पुणे मिला, एक आपको किसी स्टेट के कोई गांव में मेडिकल कॉलेज मिलता है या फिर वो इतना डेवलप शहर नहीं है वहाँ कॉलेज मिलेगा, तो आप जैसी बात है दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को चुनोगे क्योंकि ये बहुत डेवलप है। दोस्तों मैं और आप जान रह रहे हैं, हमसे आज भी ये 5 से 10 साल लाइफ स्टाइल में, प्रोफेशन में, इनकी थिंकिंग में, इनकी ड्रेसिंग सेंस में आगे हैं। तो ज्यादातर आप जानते हो लोग हैं वो बड़े शहरों को, डेवलप शहरों को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों कजाकिस्तान में अल्माटी से ज्यादा डेवलप सिटी अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है। अल्माटी में बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंट्री में होनी चाहिए, मतलब अल्माटी में आपकी इंडियन एम्बेसी भी है, काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अल्माटी से काफी दूरी पर हैं लेकिन वहां इंडियन एम्बेसी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप MBBS करने के लिए जा रहे हो तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई आपको वहां प्रॉब्लम आ जाती है तो यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपका कोई सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो है इंडियन एम्बेसी। तो कजाकिस्तान में 2 ही जगह इंडियन एम्बेसी है, अल्माटी में और अस्ताना जो वहां की कैपिटल है उसमें। तो दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट थे जो अल्माटी शहर को स्टूडेंट ज्यादा अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और लगभग अभी बात करें तो अल्माटी में लगभग 5000 प्लस इंडियन स्टूडेंट स्टडी कर रहा है। आप जाओगे तो बिल्कुल आपको इंडिया जैसी फील आएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में इंडियन स्टूडेंट है, इससे एक अलग ही माहौल बना रहता है, एक पढ़ाई का क्रेज बना रहता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो मैंने डिस्कवर करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।